मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं भारत समाचार। इस समय जिस तरह से 2024 का चुनाव नजदीक आ चुका है और भारत समाचार की टीम जो है गांव गांव गली गली पहुंच करके देख रही है कि चुनाव का माहौल कैसा है। इस तरह से लोग प्रत्याशियों का यहां पर चयन भी हो गया है। दो प्रत्याशी यहां पर अभी चुनाव मैदान में है, भाजपा से लल्लू सिंह है और जिस तरह देखा जाए तो आपसे जो है समाज पार्टी के जो है अजय प्रसाद जी हैं। तो आइए इन लोग से बात करते हैं। इसमें हम पूरा ब्लॉक में मौजूद हैं, इस तरह यहाँ के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप जिस तरह देखा जाए तो समाज पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने भी खड़ा कर दिया है, तो अखिलेश के और क्या नाम है आपके, मोदी के प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं, इसको चुनेंगे आप? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय लल्लू सिंह जी खड़े हैं, उनको चुनेंगे, उनकी कार्य की सराहना करते हैं। विकास की गंगा बह रही है, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हर ब्लॉक पे अच्छे काम हो रहे हैं। हमारे ब्लॉक पूरा ब्लॉक पे माननीय श्री सुरेंद्र सिंह जी प्रमुख हैं, उन्होंने अच्छे काम किए हैं। हर स्कूल में हर सड़क, हर बिजली खंभे, सारी पोल की व्यवस्था की है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और लोग सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत। क्या लगता है दोस्तों, इसको सुना आज आ चुका है, क्या कहेंगे आप? आपकी बात 400 पार, इस बार मोदी सरकार। हम अयोध्यावासी होने के नाते हमें बहुत ही गर्व है कि हम मोदी सरकार को पुनः ले आएंगे। अयोध्या में जिस प्रकार से विकास की गंगा बह रही है, एयरपोर्ट, विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, अभी राम मंदिर का निर्माण, बहुत ही मतलब देश के चौमुखी विकास में मोदी जी का बहुत ही योगदान है। माननीय सांसद हमारे जो लल्लू सिंह जी हैं, उनका हमेशा ही अयोध्या के ऊपर खास कर नजर रही है, हमेशा ही विकास के बारे में सोचते रहे हैं और अब की बार माननीय लल्लू सिंह को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग विजयी बनाएंगे। ये अयोध्या के लोग हैं, इनका कहना है कि लल्लू सिंह को विजयी बनाएंगे। और भी लोग को मैं समझते हैं, आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि अब की बार सांसद जी को, जो हमारे वर्तमान सांसद है आदरणीय लल्लू सिंह जी, जो बहुत ही सरल स्वभाव के, ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं, उनको हम लोग विकास के नाते और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो घोषणाएं किया था अपने घोषणा पत्र में, सारी घोषणाओं को उन्होंने पूरा कर दिया है। जो प्रमुख रूप से गरीबों के लिए दवाओं का इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड बना करके, और जो हमारे देहात में गंदगी का साम्राज्य था, शौचालय की व्यवस्था कोई नहीं थी, गरीब घर की बहू बेटियां सब बाहर जाती थी, अब उन्होंने पूरे भारत में शौचालय की व्यवस्था करके गंदगी से मुक्त कर दिया है। इसी तरीके से हमारी जो विधवा महिलाएं थी, उनके पेंशन की व्यवस्था तो पहले से थी लेकिन बहुत भाग दौड़ करना पड़ता था, अब केवल आवेदन कर दिया जाए तो व्यवस्था हो जाती थी। अयोध्या में लगातार विकास की गंगा बह रही है, विकास और सारे दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है, सांसद जी हमारे बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, हम लोग उन्हीं को जिताएंगे। और अब की बार हमें लगता है कि जिस तरीके से माहौल अयोध्या में बन रहा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से आदरणीय सांसद जी यहाँ जीतेंगे। तो लोगों का कहना है कि सांसद जी बहुत वोटों से जीतेंगे, आप महिला हैं, इस तरह बात की जाए तो महिला आप किसको चुनेंगी? मोदी भी हैं, योगी जी भी साथ में हैं उनके, और प्लस जो है क्या नाम देखा जाएगा तो आपके अखिलेश भी हैं और मायावती भी हैं, किसको चुनेंगी आप? सांसद जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम उनके चुनेंगे। क्या खूबी उनमें है? अरे हमारे यहाँ शौचालय भी बन गया, बत्ती प्रमुख द्वारा लग गई, सड़क भी प्रमुख द्वारा बन गई, विधायक जी के द्वारा बन गई, नाली भी बन जाएगी, और जितनी भी दवाई शादी भी हो गई, गरीबों बेटियों बहनियों अपन शादी ब्याह कई दिन सब बढ़िया अच्छे घरे अपने बिटिया जाए लागिन, और का चाहिए, बढ़िया काम करते हैं मेरे यहाँ। महिलाओं के लिए कितना कार्य किया बीजेपी सरकार ने? अरे महिलाओं के लिए जैसे शौचालय बन गया तो अपन खुले मनाया जाए पड़ रहा है, रसोई गैस बन गया, खाना बनाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती रही, परेशानी लकड़ी चीर रही अरे माँ, तो उससे भी मुक्त मिल गया। 100 रुपए घटा है? हाँ 100 रुपया घटा है, बहुत बढ़िया काम किए हैं मेरे लिए। लोग कह रहे हैं यहाँ के ब्लॉक के लोग का कहना है कि मोदी जी अच्छा से काम कर रहे हैं, आप क्यों उनको चुनेंगे, आप बताइए क्या करें? सही बात, सब बढ़िया आदमी है भाई, सब कुछ भगवान दिए थे, राशन भी मिलत बा, पैसा मिलत बा, राशन पेंशन मिलत बा, हर कौन चीज कमी थोड़ा बा, हर सब सामान मिला। तो अब की बार जीते, अब की बार जीते एक बार। आप बताइए क्या उम्मीद आपकी है? अब की बार भी फिर से एक बार मोदी सरकार फिर आएगी
उसकी वजह भी है। हम सब अयोध्यावासी जो हमारे 500 सालों से जो हमारे बुजुर्ग जो भी सोच रहे थे वो सपना पूरा हुआ, साकार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर निर्माण हो रहा है, हम सबका सपना साकार हुआ बाहर घूमने टहलने का भी, और एक पर्यटक स्थल भी बना यहाँ पे, और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मंदिर का भी निर्माण यहाँ हुआ, सब हम बहुत खुश हैं। हम फिर चाहते हैं एक बार भी मोदी सरकार। आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद भी यही है, हम लोगों का एक ही नारा है, योगी मोदी जय श्री राम, एक ही नारा एक नाम। लोगों का कहना है एक ही नाम एक ही नारा एक ही नाम, अब की बार मोदी सरकार। इस तरह से पूरे लोगों का जो यहाँ के अयोध्या की जनता है, लोग हैं यहाँ पर और ब्लॉक के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी यही कहना है कि जो है मोदी सरकार ने अच्छा कार्य किया है और अब की बार मोदी को ही हम जिताएंगे। रूपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।